अगर नहीं कहा तो क्या हो सकता है पता है? आइए देखते हैं। एक आदमी अपने बच्चे के साथ बाहर जा रहा है। पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। अजी सुनते हो, दरवाजे के पास एक प्लास्टिक का झोला पड़ा है, उसमें कचरा है, वो जाते समय ले जाना और कहीं फेंक देना। ठीक है। चलो मुन्नू बेटा, पापा घुमाने ले जाएंगे। पापा और बेटा बाइक से बैठ जाते हैं और नदी के किनारे उतरते हैं। पापा कचरा नदी में फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी मुन्नू उन्हें रोकता है। पापा पापा, ये कचरा नदी में मत फेंको, प्लास्टिक की वजह से नदी का पानी खराब हो जाएगा। अरे छोड़ ना, वैसे भी हमारे बकरे नाम करने से कुछ नहीं होता। पापा धीरे जोर से नदी में फेंक देते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये कितने सुंदर खेत हैं। ये गाय माता को देखो, कितने प्यार से अपने बच्चे को सहला रही है। चलो थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं। वो इस खूबसूरत नजारे को देखते हैं। उस वक्त गाय माता कुछ खाती है और वे तड़पने लगती है और तड़प तड़प के नीचे गिर जाती है। वहाँ पास में खड़ा किसान और उसकी पत्नी लौट के आते हैं। हे भगवान, मेरी गाय को क्या हुआ? मेरी गाय उठती क्यों नहीं? मैंने कितने लोगों के पास से पैसे उधार लेकर 1,00,000 जमा किए थे, फिर मैंने मेरी गाय को खरीदा था। मेरी गाय को क्या हुआ? हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया? अब हमारा घर कैसे चलेगा? ये क्या हो गया? कोई वैद्य को बुलाओ। डॉक्टर आता है। रुकिए भाई साहब, रुकिए, मुझे देखने दीजिए। डॉक्टर गाय का मुंह देखते हैं और जांच करते हैं। देखिए भाई साहब, ये गाय एक प्लास्टिक की थैली निकल गई है, जिससे इसकी सांसें रुक गई है और ये भगवान को प्यारी हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। किसान और उसकी पत्नी बहुत रोते हैं। मुन्नू और उसके पापा एक दूसरे से बात करते हैं। पापा, एक प्लास्टिक की थैली से क्या होता है? प्लास्टिक कितना हानिकारक है। छोड़ ना, हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब करें तो कुछ होता है। चलो यहाँ पास में एक पार्क है, वहाँ चलते हैं। मैं थोड़ा वॉक कर लूँगा और तुम खेल लेना। दोनों पार्क में जाते हैं और बेंच पर बैठते हैं। वहाँ पे एक बड़ा आता है, सर पे हेडफोन, आंखों पे गॉगल्स और हाथों में पानी की बॉटल। वो एक्सरसाइज करने लगता है, थोड़ी जॉग भी करता है और फिर पानी की बॉटल लेकर पानी पीता है और बॉटल वहीं फेंक देता है। फिर वापस एक्सरसाइज करने लगता है, तभी बड़ी बहन पिकी
दोनों बातें करते हैं। ये ना प्रीति, कॉलेज जाते समय प्लास्टिक का कपड़े का झोला लेके जाना और कॉलेज से आते समय सब्जी लेके आना। अरे ये क्या मम्मी, मुझे शर्म आती है, मैं कपड़े की थैली नहीं ले जाऊंगी, मैं वेजिटेबल्स लेके आऊंगी और प्लास्टिक की थैली में। प्रीति बाहर जाती है। अरे सब्जी वाले भैया, प्लास्टिक की थैली में 2 किलो भिंडी दे दो। कपड़े की थैली लाई हो? नहीं, कितनी बार समझाया, प्लास्टिक की थैली के लिए गवर्नमेंट ना बोलता। अरे पर हम प्लास्टिक की थैली में तो जला भी तो सकते हैं। अरे हम प्लास्टिक की थैली जलाएंगे तो हवा में प्रदूषण फैलता और इंसानों के नाक में जाता। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आगे से भी ध्यान रखूंगी। प्रीति घर जाकर मुन्नू मां